आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी चेकअप के बारे में। किन कपल्स को फर्टिलिटी चेकअप की ज़रूरत होती है? अगर किसी दंपत्ति को शादी के एक साल बाद बिना गर्भ निरोधक के इस्तेमाल किए प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, या फिर ऐसे कपल्स जिसमें महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो और शादी के 6 महीने बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो, तो इन कपल्स को फर्टिलिटी चेकअप की ज़रूरत होती है। इस फर्टिलिटी चेकअप में हम केवल 3 टेस्ट कराकर आपके कारणों का पता लगाते हैं और फिर इलाज करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है पुरुष के वीर्य की जांच। इसमें हम शुक्राणुओं की संख्या यानी काउंट्स, उनकी गतिशीलता मोटिलिटी और उनकी संरचना यानी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। अगर यह वीर्य की जांच नॉर्मल है तो पुरुष के और कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ज़रूरी जांच की जाती है महिला की सोनोग्राफी। महावारी के दूसरे या तीसरे दिन पर सोनोग्राफी के माध्यम से अंडकोश और बच्चेदानी की जांच की जाती है। अंडकोश में हम ओवरीज का साइज यानी उनका आकार, उनका वॉल्यूम और उनमें बनने वाले अंडों की संख्या यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट देखते हैं। नॉर्मल एंट्रल फॉलिकुलर काउंट 8 से 10 प्रति ओवरी रहता है। बच्चेदानी की जांच में हम बच्चेदानी की बनावट यानी उसकी संरचना, उसमें कोई गांठ या रसोली जिसे हम फाइब्रॉइड भी कहते हैं उसका भी पता लगाया जाता है, और बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं इस परत के बारे में भी पता लगाया जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है फैलोपियन ट्यूब्स यानी गर्भ नलियों की जांच। एक सिंपल एक्सरे जिसे हम HSG यानी हिस्टोसाल्पिंगोग्राम कहते हैं, इसके माध्यम से गर्भ नलियाँ खुली हैं या बंद है इसका पता लगाया जाता है। कुछ सेंटर्स पे गर्भ नलियों की जांच सोनोग्राफी के माध्यम से भी की जाती है, जिसे HSSG भी कहा जाता है। तो केवल ये 3 टेस्ट कराकर हम कारणों का पता लगाते हैं और आगे का इलाज निर्धारित किया जाता है। तो निसंतान दंपतियों के लिए मेरी यही सलाह है कि उन्हें अपना समय गवाए बगैर किसी अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पर जाकर ये फर्टिलिटी चेकअप से अपने कारणों का पता लगवाना चाहिए और आगे अपने इलाज का चुनाव करना चाहिए।